आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप मेरी वीडियो फुल देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मैंने हर स्टेप में कौन सी चीज यूज की है। चिकन कढ़ाई के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg चिकन, 1 पाव मैंने दही लिया है, 3 टीस्पून मैंने करी के लिए है, 5 मैंने टमाटर लिए हैं बड़े बड़े साइज के जो मैंने ऐसे काट लिए है, 1 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा मैंने जिंजर लिया है जो हम लास्ट में गार्निश के तौर पे यूज करेंगे, 2 टीस्पून मैंने गार्लिक का पेस्ट लिया है और थोड़ी सी चिली और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है जो हम गार्निश करेंगे, 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, 2 टीस्पून मैंने चिली पाउडर लिया है रेड चिली पाउडर और मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। चले हम चलते हैं चिकन कढ़ाई बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए हम सबसे पहले चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हम गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और ये जो मैंने टमाटर लिए थे बड़े साइज के मैंने इस तरह काट लिए थे, ये हम इस तरह ऐड कर देंगे, और 1/2 कप इसमें मैं पानी का ऐड करूंगी और ये 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसे कुक करूंगी। ये देखिए हमने 5 से 7 मिनट इसको कुक कर लिया है और ये 1/2 कुक हुई है चिकन कढ़ाई। रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही करते हैं, आप कुक करके वो रख लेते हैं और जैसे ही उनके कस्टमर को चीज चाहिए तो वो ऐसे फुल कुक करके उन्हें सर्व कर देते हैं, और घर में भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर हमें 3-4 डिशेस बनानी हो और हमारे शाम को गेस्ट आने हो तो हम इसे 1/2 कुक करके रख सकते हैं। और अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसमें से जो टमाटर है वो हम इसमें से निकाल लेंगे ताकि हम इसको ग्राइंड करके रख सकें, और बाकी के हम स्टेप बाद में करेंगे। हमारा चिकन 1/2 कुक हो चुका है, इसमें से जो मैंने टमाटर निकाले थे वो टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें साथ ही अपना दही ऐड कर देंगे, और अब हम सब मसालों को और सब चीजों को फुल आंच पे बनाएंगे। आज हम इसकी फुल रखेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। साथ में अपने बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे इसमें। साथ में इसमें ग्रेवी ऐड कर देंगे। लास्ट में हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमने जो चीजें इसमें डाली थी टमाटर और दही और क्रीम, उससे पानी अब खुश्क हो चुका है और हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है। इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल डाला था, आप चाहे तो 1/2 कप घी डाल सकते हैं, और इसकी लुक देखिए कितनी जबरदस्त है, ये बहुत ही मजे की चिकन कढ़ाई है। और आपने कुकिंग करते वक्त जो आपने चम्मच हिलाना है आपने साइडों से करना है ताकि आपका चिकन टूटे ना पाए। और लास्ट में हमने जीरा पाउडर ऐड कर देना है,
लास्ट में जीरा पाउडर ऐड करने का मकसद ये होता है कि उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बरकरार रहे। अब बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है चिकन कढ़ाई की। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतनी ग्रेवी रख सकते हैं। मुझे इतनी ग्रेवी की जरूरत है इसलिए मैं अब चूल्हा बंद कर दूंगी और बाकी जो गार्निश है हम डिश आउट करने के बाद करेंगे। हमारी चिकन कढ़ाई रेडी है, अब हम इसमें धनिया की गार्निश करेंगे। इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करेंगे जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। और हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही मजे का होता है। हमने इसे कुक करते वक्त बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, सिर्फ लहसुन ऐड किया था। लास्ट में हम इसमें अदरक डाल दिया बारीक कटा हुआ। आप चाहिए तो कुक करने के बाद इसे 5 मिनट के लिए इसे दम पे रख सकते हैं। ग्रीन चिली और धनिया और बारीक कटा हुआ अदरक डाल के आप इसे 5 मिनट दम पे रख सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने आपको गार्निश करने के लिए डिश आउट करने के बाद इसके ऊपर डाला है। आप चाहें तो इसे कुक करने के बाद जब आपकी डिश रेडी हो जाए तो लास्ट में ये तीनों चीज़ें ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस आता है। आज मेरी जो चिकन कढ़ाई बनाई है आप इसको जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा कि अमान अल्लाह।